हेलो हाय नमस्ते, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसका एजुटेक। दोस्तों, अगर आपने पल्स में इन्वेस्ट किया है और आप उसे रिफंड लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप सोच रहे हैं कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं रिफंड पाने के लिए दोस्तों, तो ये वीडियो इसी पर डेडिकेटेड है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से फॉर्म फिल करके पल्स इंडिया लिमिटेड से अपने पैसे को जो इन्वेस्ट किया है उसका रिफंड पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यहां से रिफंड पा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको चलना होगा, अपने ब्राउज़र पर वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, sebi.pacl.refund.co.in पर। उस दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आपको ये दस्तावेज चाहिए, PACL का प्रमाण पत्र या रसीद, पैन कार्ड, रद्द किया हुआ चेक या बैंक का सत्यापन पत्र यानी कि वेरिफिकेशन लेटर, फोटो। दावे संबंधी आवेदन इस प्रकार प्रस्तुत करें, www.sebipaclrefund.co.in पर जाते ही आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे। फिर आप होम पेज पर दिख रहे रजिस्ट्रेशन के आइकन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के आइकन पर क्लिक करते ही यह पेज दिखाई देगा। दिए हुए सभी कॉलम भरें, अपना PACL का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको PACL के प्रमाण पत्र में बाईं तरफ लिखा हुआ मिल जाएगा। अपना PACL का रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा डालें। स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा टाइप करें। अब अपना मोबाइल नंबर डालें। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP के आइकन पर क्लिक करें। फिर आप यहां दिखने वाली स्क्रीन में वह OTP डालें जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हो। यदि आपको OTP न मिले या यदि आपने गलत OTP डाल दिया हो तो आप फिर से OTP जनरेट कर सकते हैं। एक बार जब आप सही OTP डाल देंगे तब उसके बाद आपको अपने आवेदन के लिए पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अब आप फिर से वही पासवर्ड डालें जो आपने अपने आवेदन के लिए बनाया है। एक बार जब आप सही पासवर्ड डाल देंगे तब स्क्रीन पर यह संदेश दिखाई देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अब दावे संबंधी अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए लॉगिन करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, अपना पासवर्ड डालें, कैप्चा डालें। ये विवरण डालने के बाद दावे संबंधी अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए लॉगिन करें। एक बार जब आप लॉगिन कर लेंगे तब आप दावे संबंधी अपना आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के पहले चरण में पहुंच जाएंगे। अब अपना नाम ठीक वैसा ही डालें जैसा PACL के प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ हो। अपना नाम ठीक वैसा ही डालें जैसा पैन कार्ड पर लिखा हुआ हो और साथ ही पैन नंबर भी डालें। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के संबंध में आपके पास जितने भी PACL के प्रमाण पत्र और रसीदें हो उनकी कुल संख्या यहां डालें। यदि आपके पास PACL का एक प्रमाण पत्र हो और दो रसीदें हो तो इस तरह से PACL के प्रमाण पत्र और रसीदों को मिलाकर कुल संख्या 3 हुई। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के संबंध में दावे की कुल रकम यहां डालें। दावे की कुल रकम की गणना उसी प्रकार की जाएगी जैसा यहां बताया गया है। यदि आपको
पीएसीएल द्वारा भूमि आवंटित की गई है तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। यदि आपने भूमि आवंटित कॉलम में यस का चयन किया है तो आवंटित भूमि का क्षेत्रफल वर्ग गज स्लैश स्क्वायर यार्ड में दर्ज करें। आप यह विवरण सेव कर ले और फिर प्रक्रिया के दूसरे चरण में पहुंच जाएं। अब प्रक्रिया के दूसरे चरण में आप अपने बैंक विवरण डालेंगे। कृपया अपना नाम ठीक वैसा ही डालें जैसा बैंक खाते में लिखा हुआ हो। फिर ड्रॉप डाउन में दी हुई सूची में से IFSC कोड चुनें। फिर अपनी बैंक खाता संख्या डालें। अपनी बैंक खाता संख्या दोबारा डालें। फिर ड्रॉप डाउन में दी हुई सूची में से यह चुने कि आपका खाता बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट है या फिर चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट है। आप ये विवरण सेव कर ले और फिर प्रक्रिया के तीसरे चरण में पहुंच जाए। अब इसके बाद आप प्रक्रिया के तीसरे चरण में आ जाएंगे जहां आप समर्थक दस्तावेज यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। फिर अपनी फोटो अपलोड करें। अब आप अपने पैन कार्ड की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें। अब रद्द किए हुए चेक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें। यदि आपके पास चेक बुक न हो तो बैंक की जिस शाखा में आपका खाता हो उस शाखा द्वारा इस फॉर्मेट में जारी किए गए बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन लेटर की कॉपी अपलोड कर सकते हैं। आप ये विवरण सेव कर लें और फिर प्रक्रिया के चौथे चरण पहुंच जाएं। अब इसके बाद आप प्रक्रिया के चौथे चरण में आ जाएंगे जहां आप पीएसीएल का प्रमाण पत्र और रसीदें अपलोड करेंगे। फिर ड्रॉप डाउन में दी हुई सूची में से पीएसीएल सर्टिफिकेट चुनें। फिर आप रसीद नंबर, रसीद की तारीख और रकम के विवरण उनके लिए दिए हुए कॉलम में भरें। फिर पीएसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करें और सेव बटन पे क्लिक करें। फिर आप किए गए भुगतानों से संबंधित रसीदों के विवरण डालने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ ड्रॉप डाउन में दी हुई सूची में से पीएसीएल रिसिप्ट का विकल्प चुनें। फिर आप रसीद नंबर, रसीद की तारीख और रकम के विवरण उनके लिए दिए हुए कॉलमों में भरें। फिर रसीद अपलोड करें और सेव बटन पे क्लिक करें। यदि आपके पास और भी रसीदें हो तो आप उन्हें ऐड न्यू पर क्लिक करके डाल सकते हैं। एक बार जब सभी रसीदें अपलोड हो जाए तो आप यह जांच लें कि अपलोड किए गए दस्तावेज नीचे सारणी में दिख रहे हैं या नहीं। जब आप इस बात से संतुष्ट हो जाए कि सभी विवरण डल गए हैं तब आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक प्रीव्यू स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें आपके द्वारा डाले गए सभी विवरण दिखेंगे। यदि आप प्रीव्यू स्क्रीन पर दिख रही जानकारी से संतुष्ट न हो तो आप कैंसिल के आइकन पर क्लिक करके पीछे जाकर अपने आवेदन में बदलाव कर सकते हैं। यदि आप प्रीव्यू स्क्रीन पर दिख रही जानकारी से संतुष्ट हो जाए तो आप आई अग्री पे क्लिक करें और फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक करें। आपका आवेदन समिति के पास प्रस्तुत हो जाएगा। एक बार
जब आप फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं तब आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। कृपया इस नंबर को नोट कर लें। अब आप लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। स्क्रीन पे आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर रेफरेंस नंबर कॉलम में दिख जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप करके सीखा कि आप कैसे पल्स इंडिया लिमिटेड में इन्वेस्ट किए गए पैसे के रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं ऑनलाइन। दोस्तों, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा क्लियर कर दिया आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इसे शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि आप इस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करके अपने पैसे को रिफंड पा सकते हैं PACL में जो आपने इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।